वालेकुम, आई एम सैयद अयाद रजा। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2013 में हम फॉर्मेटिंग टेक्स्ट का इस्तेमाल किस तरीके से करते हैं। हम जब भी किसी काम को करते हैं तो हम उसमें फॉन्ट के स्टाइल को किस तरीके से चेंज करते हैं, कलर वगैरह किस तरीके से कर सकते हैं, फॉन्ट के साइज को किस तरीके से चेंज कर सकते हैं, मीन्स डेट जितनी भी फॉर्मेटिंग है हम किस तरीके से करते हैं, उन तमाम चीज़ों के बारे में मैं आज आपको बताऊँगा। तो स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ पे कुछ सैंपल के तौर पे कुछ डेटा बनाया हुआ है, इस पे मैं तमाम आपको कमांड जो है अप्लाई करके दिखाऊंगा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम फॉन्ट के स्टाइल को चेंज करते हैं, हम सिलेक्शन करते हैं काम की, एंड यहाँ पे देखें फॉन्ट स्टाइल। यहाँ पे काफ़ी सारे आपको फॉन्ट के स्टाइल मिल जाएंगे, आपको जो भी अच्छा लगे आप उसको चूज कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट बोल्ड कमांड सिलेक्शन करी और यहां से हम इसको बोल्ड कर सकते हैं। बोल्ड की शॉर्टकट की क्या है, कंट्रोल बी। ओके, अब अगर हमें इटैलिक करना है अपने काम को तो हम सिलेक्शन करेंगे, उसके बाद इस पर क्लिक करेंगे। इटैलिक की शॉर्टकट की है कंट्रोल आई। अगर अपने काम को अंडरलाइन करना चाहें तो सिंपल सिलेक्शन करेंगे, उसके बाद यहाँ पे अंडरलाइन। अंडरलाइन की शॉर्टकट की है कंट्रोल यू। फॉन्ट का कलर चेंज करना चाहें अगर आप, तो आप यहाँ से कलर को चेंज कर सकते हैं, जो भी आपको अच्छा लगे वो कलर आप चूज कर सकते हैं। एंड फॉन्ट साइज, फॉन्ट साइज देखें यहाँ पे, यहाँ से हम फोन के साइज को ये ड्रॉप डाउन लिस्ट की मदद से जो भी आपको फोन का साइज चाहिए आप वो चूज कर सकते हैं। अदरवाइज यहाँ पे भी आपके पास ऑप्शन है इंक्रीज फोन साइज और सेकंड ये डिक्रीज फोन साइज। ओके, टेक्स्ट हाईलाइट कलर, ये काफी अच्छी कमांड है। अगर आप इसको किसी भी कमांड पे अप्लाई करते हैं किसी भी काम पे, तो आपका कोई डेटा दिखे या नहीं दिखे, लेकिन जो आप हाईलाइट कर देंगे जिस डेटा को वो लाजमी दिखता है। ओके, तो इसको इस वजह से इस कमांड को यूज किया जा रहा होता है। और लास्ट आपके पास है चेंज केस, तो ये काफी अच्छी कमांड है चेंज केस। चेंज केस क्या करता है, आपका ये सारा काम जो है पहला वर्ड कैपिटल में बाकी सारा स्मॉल में। आप अगर आप चाहते हैं कि आपका जो काम है वो अपर केस में हो जाए, यानी तमाम काम कैपिटल में हो जाए, तो आप कैपिटल में कर सकते हैं। इन केस अगर आप कोई लेटर बनाते हैं और लेटर बनाने के बाद आप अपने बॉस के पास लेके आते हैं, तो वो आपको बोलते हैं कि ये जितना भी लेटर है ये आपने अपर केस में बनाया, इसको आप सेंटेंस केस में बना दो या फिर लोअर केस में बना दो, तो आपको दोबारा टाइप करना पड़ेगा अगर आपको ये कमांड नहीं आती होगी। अगर आपको आती होगी तो आप सिंपल इसमें जाएंगे और आप क्या क्लिक करेंगे, सेंटेंस केस पे क्लिक करेंगे, तो पहला वर्ड देखिए कैपिटल हो चुका है और बाकी तमाम वर्ड्स हमारे स्मॉल हो चुके हैं। इसी तरह लोअर केस में करना है तो तमाम काम हमारे स्मॉल में हो जाएगा, और अगर हर जुमले का पहला वर्ड हमारा कैपिटलाइज होना चाहिए तो लिखा हुआ है यहाँ पे कैपिटलाइज ईच वर्ड। ओके, तो हर जुमले का पहला वर्ड हमारा कैपिटलाइज हो जाएगा। तो ये मेन कमांड है फॉर्मेटिंग की जो काफी यूजफुल है। ओके, इनकी आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, मैं इसी तरह स्टेप बाय स्टेप वीडियोस लेके चलूंगा। तो आई होप आप लोगों को दोस्तों ये वीडियोस पसंद आई होगी, अगर पसंद आई है तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा, और जिन लोगों ने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, खुदा हाफिज़।